भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन 1969 में राजधानी एक्सप्रेस नाम से लॉन्च हुई थी और दूसरी हाई स्पीड ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में लॉन्च हुई थी। यानी दोनों ही हाई स्पीड ट्रेन के बीच में करीब 19 सालों का गैप था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी 2014 तक भारत में सिर्फ 24 राजधानी और 12 शताब्दी ट्रेनें मौजूद थी, क्योंकि सत्ता में जो बैठे थे वो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे और प्राइवेट जेट में जन्मदिन मनाते थे, इसलिए इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि जनता के संसाधन है या नहीं। लेकिन इस गैप को भरने के लिए वर्तमान की मोदी सरकार ने 2019 में वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया, जो सिर्फ 4 सालों में ही 14 रूट्स पर फर्राटे से दौड़ रही है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि मोदी जी खुद जमीन से उठकर प्रधानमंत्री बने हैं और वो जनता के कागजी दर्द की बजाय असली दर्द को समझते हैं। इसलिए देश में 2025 के अंत तक 278 वंदे भारत ट्रेन और वही 2027 तक 478 वंदे भारत ट्रेन बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। यानी सिर्फ 8 सालों में 478 वंदे भारत ट्रेन भारत की जनता को मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसके डिजाइन से लेकर इसके कोच तक को इंडिया में सिर्फ 18 महीनों के भीतर ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन शुरुआती टाइम में इसके पहिए को यूक्रेन से मंगवाया जाता था, जिसमें हर साल भारत सरकार के 1.60 करोड़ डॉलर खर्च होते थे। लेकिन सरकार ने इससे सबक लेते हुए अब पहियों को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। पहियों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनी को देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आने वाले टाइम में वंदे भारत की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, जिसके लिए लाखों पहियों की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसे में कोई विदेशी कंपनी भारत से पैसा लेकर जाए, ये वर्तमान सरकार को गवारा नहीं। इसलिए वंदे भारत को 100% मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। वंदे भारत से भारत को क्या फायदा? पहली बात तो ये कि अब ये ट्रेन 100% मेक इन इंडिया हो गया है, जिससे रोजगार के अच्छे अवसर पैदा होंगे। भारत दूसरे देशों से आयात निर्भरता को कम कर सकेगा। हो सकता है कि रक्षा क्षेत्र की तरह पहिया निर्माण क्षेत्र में भारत रिकॉर्ड तोड़ निर्यात हासिल कर ले। देश का पैसा देश में ही रहेगा और जनता के भले के लिए ही इस्तेमाल होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 3 सालों में वंदे भारत कम से कम 15,000 रोजगार सर्जन करने वाला है। आज़ादी के 75 सालों के बाद मोदी जी भी भारत की जनता के जिस सपने को पूरा कर रहे हैं, वो आज से कई साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन परिवारवाद से घिरी कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ सत्ता को हथियाए रखा बल्कि देश के विकास को भी कई साल पीछे कर दिया।